नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। दोस्तों, स्टडी सफर तक के ये बिहार विशेष चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अचानक कल रात राहुल गांधी, बताया जाता है कि राहुल गांधी ने आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव को अचानक दिल्ली बुला लिया। आनंद फानंद में तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंच जाते हैं और उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आपने देखा कि धनुष बाण सीधे फेंक दे रहे हैं। कल ही हमने वीडियो बनाया था, ये छोड़ दे रहे हैं, ये फेंक दे रहे हैं। आखिर बिहार के सुशासन बाबू नीतीश कुमार धनुष बाण छोड़ रहे हैं, नीतीश कुमार एनडीए को छोड़ रहे हैं या नहीं, ये बात इस बात से स्पष्ट नहीं हो रहा है। लेकिन वही आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव को दिल्ली बुलाए जाने के पीछे का मकसद क्या होता है? क्या तेजस्वी यादव को चाचा भतीजों को एक करने का फॉर्मूला, दिल्ली के भीतर फॉर्मूला तैयार करने के लिए बुलाया गया है? क्या तेजस्वी यादव को गठबंधन के व्यापक एकता और केंद्र के भीतर वैकल्पिक सरकार की परिस्थितियों के निर्माण की दिशा में नीतीश कुमार की जरूरतों के लिए, क्या फ्लेक्सिबल बनने के लिए बुलाया गया? और क्यों अचानक से ही हरियाणा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी की रणनीति बदली सी नजर आती है? आखिर हरियाणा के विधानसभा चुनाव से पहले तो कांग्रेस के जिस भी लोग से आप बात करें, सब यही बात आपको बताते हैं, पार्टी का एजेंडा केवल यही है कि जब तक कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनने की, वैकल्पिक सरकार बनने की मंसूबा तैयार न होगी, तब तक इस सरकार को उनके स्टेबिलिटी पर खतरा नहीं होगा, नरेंद्र मोदी की सरकार पर, एनडीए सरकार पर। लेकिन हरियाणा के विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को तमाम अनुमानों को खदा बताते हुए एक सरप्राइजिंग जीत मिल जाती है, 8 अक्टूबर को चुनाव परिणाम आ जाता है, भारतीय जनता पार्टी भी 25-30 सीट से ऊपर की बात नहीं कर रहे थे, उसके बाद से कांग्रेस पार्टी के कान कहीं ना कहीं खड़े हो गए। अब कांग्रेस पार्टी के बारे में बताया जाता है कि अब कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार की जगह वैकल्पिक सरकार की बातें अंदर खाने चलना शुरू हो गई है। आखिर प्राथमिकता कांग्रेस की सरकार बनाना नहीं, फिलहाल प्राथमिकता केंद्र के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार के जगह वैकल्पिक सरकार बनाना है, भले ही वो सरकार किसी कांग्रेसी नेता के नेतृत्व में बने या फिर किसी गैर कांग्रेसी नेता के नेतृत्व में बने केंद्र की सरकार। लेकिन यह सब संभव होगा कैसे जब नानी फैक्टर एनडीए सरकार की नानी याद दिलाने की स्थिति में हुई है? नाइनी फैक्टर यानी नायडू और नीतीश है। नायडू जाति जनगणना की बात करके कहीं ना कहीं पल्ले झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, नीतीश कुमार धनुष बाण ही फेंक देते हैं। आखिर दिल्ली की बैठकों में शामिल नहीं होते हैं, नीति आयोग से लेकर के किसी भी तमाम बैठक के अंदर, आखिर इसके पीछे का खेल क्या होता है? तमाम सारे बिहार विशेष स्पेशल की चर्चा में तमाम सारे बातों को आप आज समझने वाले हैं और राजनीति के तमाम सारे खेल को समझेंगे आज कि आखिरकार बिहार के भीतर, बिहार की राजनीति के गलियों में किस तरह का बुखार चढ़ रहा है, किस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं उबाल मार रहा है बिहार की राजनीति। तो ये बात को समझेंगे कि कौन सा यहां पर खेल चल रहा है कि बिहार के आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव को अचानक से दिल्ली बुला लिया जाता है, इसके पीछे का खेल क्या होता है, नीतीश कुमार के हाथ से धनुष बाण छोड़ दिया जाता है, आखिर क्या चल रहा है? दो बड़े नेता, एक बिहार के बड़े नेता, एक देश के बड़े नेता, उनकी मुलाकात अगर दिल्ली के भीतर होती है, यानी तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की मुलाकात दिल्ली में होती है, तो स्वाभाविक सी बात है चर्चा तो होगी, और खास करके उस पहलू में, उस एंगल से देखिए जबकि उस राज्य से नीतीश कुमार आते हैं, जिस राज्य से, उसी राज्य से तेजस्वी यादव आते हैं और उसी राज्य की सहारे केंद्र की सत्ता यानी नरेंद्र मोदी की सत्ता चल रही है, तो मायने तो इस बात रखेगा कि आखिरकार तेजस्वी यादव पटना से दिल्ली पहुंचते हैं और खबरें होती है कि राहुल गांधी से उनकी मुलाकात होती है। आखिर ऐसे में यह भी तो हो सकता है कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में, ये इस बात का कोई ठोस दावा नहीं करे कि राहुल गांधी से तेजस्वी यादव दिल्ली में मुलाकात करने पहुंचे, क्या मुलाकात के भीतर नीतीश कुमार को लेकर के तमाम सारी चर्चाएं हुई होगी या फिर इस मुलाकात के भीतर इस बार कोई सहमति उनके अंदर बनेगी कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी के सामने की, अगर नीतीश कुमार शामिल होते हैं तो क्या उसके लिए राज्य तैयार है, क्योंकि तेजस्वी यादव के बारे में तो बार बार ऐसा कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार को लेकर के पॉजिटिव है, लेकिन तेजस्वी यादव फिलहाल नीतीश कुमार को लेकर के फिलहाल वो पॉजिटिव नहीं दिख रहे हैं। तो ये वही नीतीश कुमार को सुशासन बाबू का जो लेफ्ट और राइट का जो खेल चलता है ना, कभी इसके साथ कभी उसके साथ, पिछले 15 सालों से करीब करीब चल रहा है, उससे कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव दुखी हैं और राजद को कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी चाहती है। तो इन तमाम बातों में लालू यादव तेज और समझदार नेता है कहीं ना कहीं, तो वो तमाम समझदारी से डिसीजन लेने में माहिर माने जाते हैं।
राजनीति के कहीं ना कहीं एक चतुर खिलाड़ी है बिहार के राहुल लालू प्रसाद यादव, क्योंकि सत्ता से काफी दिनों से वो दूर रहते हैं, लेकिन फिर भी वो पार्टी की तमाम सारे नीतियों के ऊपर, तमाम सारे मॉरल फैक्ट्स है, उन तमाम चीजों पर उनका हमेशा ध्यान रहता है, तमाम तरह की खबरें में कहीं ना कहीं बने भी रहते हैं। तो मौजूदा वक्त में बिहार विशेष में आप ये कि तेजस्वी यादव राहुल गांधी की मुलाकात के बाद और उससे पहले के आप पूरा खेल देख लीजिए बिहार के राजनीतिक परिदृश्यों के भीतर, तो उससे पहले के क्या होता है कि चंद्रबाबू नायडू अपने नानी फैक्टर नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू की जैसे ही बात की, तो ये नानी फैक्टर में केवल जाति जनगणना के पहले से ही बात हो रही, और नीतीश कुमार ने बिहार के भीतर वो करा के भी दिखाया, और जाति जनगणना को लेकर के क्या खेल चलता है, इन लोगों के बीच किस तरह की बातें होती है। तो चंद्रबाबू नायडू जो है वो कहीं ना कहीं इस बात को भी आप समझ लीजिए कि इन जो बिहार के नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के जो मुलाकात होती है, आखिर उस नानी फैक्टर की जिसकी हम बात किए उसमें से आप देखेंगे कि नीतीश कुमार का रुख जाति जनगणना को लेकर के बिहार के अंदर क्या होता है, ये बात सबको ही जानते हैं। और वहीं चंद्रबाबू नायडू ने भी इस मुद्दे पर, इस विषय को लेकर के, जाति जनगणना को लेकर के पूरे जोर शोर से उन्होंने कहा है कि जाति जनगणना होनी चाहिए, कास्ट सेंसस होनी चाहिए, और कास्ट सेंसस को डायल्यूट करने के लिए पूरी तरीके से तमाम तरह के खेल चलते हैं, तमाम तरह की बयाने भी आती है, बटेंगे तो कटेंगे, आखिर इस तरह के बयान कहां से आता है। जाति जनगणना को लेकर के जो लोग सीरियस है, जो लोग आवाज उठा रहे हैं, जो लोग नीतीश कुमार या नायडू या उसी को कहीं ना कहीं डायल्यूट करने के लिए, दूसरी तरफ विपक्षी नेता राहुल गांधी जाति जनगणना को लेकर के तमाम सारी ऐलान कर रहे हैं, तमाम तरह की बातें करते हैं, ओबीसी को लेकर के हमेशा वो मुद्दा को उठाने के, इन तमाम बातों को दबाने के लिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े शीर्ष नेता तमाम तरह के बयान देते हैं कि बटोगे तो कटोगे, भारतीय जनता पार्टी हार गई तो कांग्रेस स्टेज पर जाएगी, मतलब तमाम तरह की चीजें, और जैसे ही किसी भी राज्य के अंदर चुनाव करीब होने तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं वहां पर कुछ अलग ही तरीके से रंग में रंग जाती है, और कहीं ना यही तमाम सारी बातों को डायल्यूट करने के लिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोशिश, तमाम सारी खबरें होती है। नीतीश कुमार अपने आप को थोड़ा असहज महसूस कहीं ना कहीं जरूर कर रहे हैं, जैसा उनके पिछले कुछ दिनों से तमाम सारे वीडियो फुटेज आ रहे हैं, तमाम तरह के उनके लेकर के खबरें चलती है। आखिर भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक बड़े नेता होते हैं, उन्होंने भी इस तरह का बयान दिया है था, लेकिन नीतीश कुमार के कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने का जो नीतीश कुमार के का जो सपना कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा अभी भी उनके अंदर जिंदा है, और इस सपना को अगर कोई हवा देता है तो फिर नीतीश कुमार इधर से उधर जरूर हो सकते हैं। और बिहार के आरजेडी नेता तेजस्वी यादव जिस तरीके से राहुल गांधी से मिल रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनको नीतीश कुमार को अगर मौका मिला प्रधानमंत्री बनने का तो वो बिल्कुल कहीं ना कहीं उठ चलेंगे और नरेंद्र मोदी की कुर्सी को खाली करवा के खुद कुर्सी पर बैठना चाहेंगे। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अपने राजनीतिक जीवन के अंतिम पड़ाव में होते हैं और वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि कुछ ही दिनों के लिए सही, लेकिन देश के प्रधानमंत्री वो जरूर बने। और क्योंकि नीतीश कुमार का जो राजनीतिक जीवन रहा, राजनीतिक सफर रहा, वो हालांकि इनकी तमाम सारे, लेकिन जितने दिनों तक बिहार की राजनीति में और केंद्रीय राजनीति के भीतर वो रहे हैं, इतना दिन तक लंबे वक्त तक राजनीति करना कोई छोटी मोटी बात नहीं, लेकिन फिर देखिए अगले पड़ाव में क्या कुछ होता है। कुछ दिनों के लिए सही नीतीश कुमार हो सकता है कि प्रधानमंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री नहीं सही लेकिन हो सकता है कि गृहमंत्री बन जाए, कुछ भी बन जाए, और ये मौका तभी मिलेगा जब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार एनडीए से अपने हाथ को पीछे खींचेगा, और तमाम सारे खेल अभी होना बाकी है। फिलहाल इस चर्चा पे हम फिर से विशेष रूप से कुछ ना कुछ स्टडी करके आपके सामने जरूर आएंगे। जय